सालों के बाद काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद भी एक इस गांव के लिए जो सड़क निकाली जा रही थी लेकिन जिस तरह से उसका काम होना चाहिए था इन लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसका जो टेक्निकल तरीके से कार्य होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह से पंचायत के अंदर मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही हैं कुछ नौजवान हैं सीधा इनसे बात करते हैं जी अपना नाम और गांव का नाम ये बताएं कि आए दिन लोगों की तरफ से एहतजा जताया जाता है कि जो गांव के अंदर सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या इस गांव के अंदर किस तरह की दिक्कत आप लोगों को यहां पे आ रही है देखिए सर मेरा नाम रमन शर्मा है जी मैं पंचायत धनोड़ी यहां संसू के बगल में एक गांव है वहां से हूं जी और हमें इस बार हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमें आजाद हुए लगभग पिचहत्तर से ज्यादा वर्ष हो गए जी पर अभी तक देखिए कि यहाँ पे हमें एक मूलभूत सुविधा जो होती है एक पानी होता है एक जल एक ए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी हो गई और एक सुविधाएं कि हमारी गाड़ियां अच्छे से वहां से क्योंकि देखिए अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां की जो औरतें हैं उनको अगर डिलीवरी के लिए जाना पड़े तो यहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है अगर नहीं। बारिश पड़ रही होती थी तो यहां से रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी नहीं। पर अभी हमने यहाँ बड़े एक शिद्दत के साथ काम किया है उसके बाद कहीं जाके आंखें खुली हैं गवर्नमेंट की पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे काम जो भी हो रहा है आधा अधूरा। आप देखिए आप आए हैं या इसी सड़क से आए हैं आप देखिए यहाँ कनेक्टिविटी थोड़ा सा काम होता है फिर यहाँ पे हॉल्ट लग जाता है ये कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं पानी की अगर हम बात करें एक दिन छोड़ के एक दिन जब बिल लेने आते हैं तो बिल क्यों हम पूरा दें तब तो नहीं ये कहते कि आप एक दिन का कम बिल दीजिए गर्मियों के दिनों में सात सात दिन यहाँ पानी नहीं आता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ से पाइपलाइन आ रही है वहां से पाइपलाइन आ रही है ये हमारी दिक्कत नहीं है नहीं। हम तो आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं अगर हमारी बिल्डिंग का आप देखेंगे आप हमारे बिल्स बिल्कुल एक भी मतलब घर ऐसा नहीं होगा जिसका ड्यू होगा पर जब फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बारी आती है तो वो जीरो है लेकिन सरकारें या जूटी प्रशासन या प्रशासन ये कहता है कि जो गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं और जो काम गांव के अंदर होना हो रहा है वो तो काफी जिस तरह से हमने देखा कि कोई मंत्रियों का दौरा रहता है जो ये कहा जाता है कि जो पंचायतें हैं उनको पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है और जिसके जिस तरह से आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब कोई इस गांव के अंदर बीमार हो जाता है तो किस तरह से उसको जो है वो जीएमसी के अंदर लेके जाते हैं या जो सीएससी या पीएससी रहती हैं उन, उन तक पहुंच जाते हैं देखिए सर रोड होना एक अनिवार्य हम समझते हैं कि सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस जो है वो रोड की है अगर यहाँ पे रोड ही नहीं है हमें हमारी दादी जी जो आज स्वर्गवास हो चुकी है हमें उन्हें लेना पड़ता था तो कंधे पे उठा के हमें उन्हें वहां पानी पार करवाना पड़ता था ये हमने पूरी पिक्चर्स के साथ पूरा कंप्लेन करके हमने पूरे डिपार्टमेंट में डाला पर उसके बाद भी डिपार्टमेंट में दो साल लगाए हैं इस रोड को सेंक्शन करने के लिए ये तो हमारी बेसिक फैसले बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाए गए वन टू थ्री कितने फेज हुए पर आप इस गाँव को देखिए यहाँ पे इतनी सी मतलब आप कहें कि

बड़े बड़े वादे करती है कि हर जल हर घर पानी हर घर जल ये सुविधा नल का पानी देंगे ये देंगे वो देंगे ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो स्कीम के जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हर घर नल और जल वो भी स्कीम आपने सुनी होगी जी बिल्कुल वो किस तरह की इस गांव के अंदर चल रही है देखिए सर यहाँ पे ऑन पेपर ही काम हो जाते हैं यहाँ पे ना कोई विजिट के लिए आता है अगर हम कम्प्लेन नहीं डालते यहाँ पे कोई विजिट करने भी नहीं आया ऑन ग्राउंड कोई ऑफिसर नहीं आया इस रोड की हालत देखने के लिए जब थोड़ा हमने पीएमओ में कम्पलेन डाला जब वहां से थोड़ी सी इनको फटकार लगी तो ये ऑफिसर भागते हुए यहाँ पे आए हैं मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे जो भाई हमारे साथ खड़े हैं ये नहीं होते तो शायद आज ये रोड हमारा बिल्कुल भी हम जितना भी काम हुआ है वो इनकी बदौलत हुआ है जो हमारा यूथ अब हम आगे निकल के आ रहे हैं कि गांव में थोड़ी तो डेवलपमेंट होनी चाहिए क्योंकि अगर हम जब बारिशें होती हैं आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इतना इतना गले गले तक पानी यहाँ पे आता है तो उस टाइम पे ना गाड़ी जाती है ना कोई सुख सुविधा प्रोवाइड की जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो होता है गर्मियों में हम सात सात आठ आठ दिन पानी के बिना रहते थे तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया यहाँ पे तो हम कैसे कह दें कि ऑन पेपर होने के बावजूद ऑन ग्राउंड रियलिटी जीरो है देखिए ये हकीकत है ये सिर्फ संसू पंचायत की नहीं है जिस तरह से नौजवान की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि हम हर गांव के अंदर हर पंचायत के अंदर हर चीज़ जो है वो इम्प्लीका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये जिला प्रशासन के लिए भी तमाचा है देखिए ये दूर दराज का इलाका नहीं है ये मात्र छः से सात किलोमीटर की दूरी पर उधमपुर ज़िला से ये इलाका पड़ता है लेकिन आज बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए नौजवानों की बात हमने सुनी लेकिन बुजुर्गों के चेहरों में भी एक मायूसी है इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि 75 साल के बाद जो रोड इस गांव के लिए निकल रहा था वो भी जो कार्य था वो भी आधे पे लड़का हुआ इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा ना सुनाओ बंसीलाल के दिक्कत थोड़े गांव में छाती हमारा रोड नहीं है पानी नहीं है बिजली भी कटौती बड़ी भारी जी तो कोई सुनता ही नहीं साडी पानी को लांदा चार-चार दिन बाद पानी आना वो भी आधा घंटा पानी आओ बद्द नहीं पांडे बने परोंदे जी ਵਾਲਮਣੀਆ ਕੋਲ ਹਲਾ ਮਾਰੇ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਖ ਕੇ ਕਭੀ ਸੁਪਨਾ تھا ਕਿ ਇਸ گاؤں ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਂਗਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਪਰ ਖੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਥੱਲੇ ਹਮ ਅਗਰ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਦਮੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੋ ਹਮ ਅਗਰ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਰੋਡ ਬੜੀ ਖੜੇ ਖੜੀ ਕਰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਏ ਇਹ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ सपना भी इन लोगों का है कि हम इस गांव के अंदर रोड देखना चाहते हैं या हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास गाड़ी हो कुछ और भी बुजुर्ग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जी अपना नाम और गाँव का नाम ये बताएं कि जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं पंच या सरपंच उनकी तरफ से क्या इस गांव के लिए या इस पंचायत के लिए अभी तक जो है वो का, कार्य किया गया अभी तक इस गांव की जो मूल सुविधा है जी उसके लिए सरपंच साहब एक बार आए थे जी और उद्घाटन करके चले गए थे जी। रोड का उसके बाद हमें कोई नहीं दिखाई दिया कि कैसे रोड बन रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी ड्रेन का काम है नाली का काम है वो भी अधूरा में लटका हुआ है ठेकेदार है जहाँ तक बनेगी काम घाटे पर लिया हुआ है जी। गली लगी थी बनने सौ मीटर की उसमें भी अभी नालियाँ के नीचे कोई नाली नहीं बनी है ठेकेदार के फट्टे तक जहां पट पड़ पड़े हुए हैं जी। वो अपने फट्टे लेने के लिए भी नहीं आया अगले दिन आए थे दो आदमी उन्होंने गली की पमाइश की क्या गली कितनी बनी है लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा या ये नहीं चेक किया कि गली कितनी नहीं बनी है नहीं। और कितनी अधूरी पड़ी है कोई उस चीज को नहीं देखते हैं ये देख देते हैं पिता मार के हाँ जी इतनी सहन सहन कर दो बोला भाई हम सहन तो नहीं करेंगे नहीं जब तक जब पूरी ड्रेन नहीं बनेगी किनली नहीं बनेंगे क्या डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है जब ये कार्य शुरू होता है जब इसको पास किया जब... आया था जो, वीडियो हैं जो आपके। नहीं, नहीं वीडियो नहीं आया जे आया था वीडियो बाद में आया था जय ही आया था वो आकर के बोला था भाई आस्ता आस्ता होगा जे काम घाटे पर था इतना नहीं होगा आगे बाद में होगा भाई आगे बाद में होगा पीछे बाद में होगा तो ठीक है क्या मानते हैं आप मिली भक्ति होती है मिली भक्ति पूरी मिली भक्त है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है वो पूरा पैसा वहाँ पर नहीं लग रहा है पूरा मसाला वहाँ पर सीमेंटेड जो भी कंडीशन है वो पूरी नहीं लग रही है मतलब है कि जहाँ गांव के जहां भी कुछ नुमाइंदे पंचायत की तरफ से होने चाहिए कि जे आ, आदमी इसको चेक करेंगे क्या मटेरियल ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है वो तो जो मन मर्जी है जो मर्जी लगा गया लगा गया भगवान के सहारे कोई सौ रुपया चढ़ा चढ़तल चढ़ा गया कोई सौ एक रुपया चढ़ा गया वो ऐसा ऐसे काम जहाँ पर चल रहे हैं बिज ये पिछले साल दबाई गई थी ठेकेदार की तरफ से कि जे पाइपलाइन पानी आपको वर्ष मार्च महीने में पिछले साल मार्च महीने में पानी आपको मिल जाएगा ठीक है भाई अभी तक वो पाइप सड़ भी गई होगी लेकिन अभी तक उसके अंदर पानी का कोई सपना नहीं है कि आएगा नहीं आएगा पाइप अंदर जो डाल दिए अच्छा और जगह जगह पर अभी पाइप भी अंदर डालना बाकी है कई जगह पर तो पानी की सुविधा भी वैसे ही है वही हालात बिजली की है कि हर घर में खम्भे में लगे जो लगे हमारे खेत में खम्भे टूटे हुए हैं आधे आधे खंबे पर बिजली लगी हुई है बहुत बार कंप्लेंट कर दी मैं खुद गड़ी जेई के पास गया था भाई खम्भा दे दो कोई खंभा नहीं मिला कोई कुछ नहीं मिला अभी वैसे ही वैसे ही बढ़िया देखिए रब बरोस पंचायत बरो है ये हकीकत है और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये कहे, कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो कार्य है वो पंचायत लेवल पे हो रहा है ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं जो काम हुए हैं जिस तरह से इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हर घर नल और जल होगा ये भी स्कीम करोड़ों रुपया इस स्कीम के तहत आया है लेकिन इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पाइपलाइन भी जरूर बिछाई गई है लेकिन अभी तक उनमें पानी नहीं आया कुछ और भी बुजुर्ग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या नाम है आपका और एक रोड हर गांव के लिए चाहिए रोड का काम जरूर हमने देखा लगा है लेकिन इससे पहले किस तरह से आप जब कोई बीमार हो जाता था या कोई शादी ब्याह इस मोहल्ले में होती थी उसको किस तरह से यहाँ पे लेके करवाया जाता मेरा नाम है सुखदेव सिंह वार्ड नंबर छे रहने वाला हूँ पहले जनाब के ना जब कोई बीमार वगैरह हो जाता था ना तो उसको कंधे पे उठा करके ले जाना पड़ता रोड तक तब वहाँ से गाड़ी करते थे वहाँ से जाकर हॉस्पिटल पहुँचते थे जी और अब रोड का काम लगा है तब तो वो भी अधूरा पड़ा हुआ है अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी पंद्रह बीस दिन हो गया ठेकेदार को आ गया अभी उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई दी है कब काम लगना है कब नहीं लगना है अभी तक कोई वो नहीं है उम्मीद है उम्मीद तो है उम्मीद तो है लेकिन अभी ये पता नहीं है ना कब तक आएगा कब काम लगना है जी अभी बीस दिनों थी उन्हें बंद हो गए काम खुशी थी जब की रोड का कार्य चल रहा है बहुत खुशी थी खुशी थी हमें खुशी थी, हुँ। थी। हुँ। चलो गाँव के तक रोड बन गया चलो जिसके पास गाड़ी वगैरह है कोई आदमी बीमार हो जाता है तो आराम से गाड़ी में बैठा करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं हम ए टाइम हो सकता है रात में कोई बीमार हो जाए तो कहाँ ले जाना है उसको वो रास्ते में आते दम तोड़ देगा हॉस्पिटल पहुँच रही तो इसलिए हम जाते हैं रोड से जल्द कम्प्लीट होना चाहिए देखिए रोड के पहले सिर्फ इस पंचायत की मैं बात नहीं करूँगा जिस तरह से इनकी तरफ से कहा गया कि जो पुराने जमाने के अंदर हमने ये देखा कि गांव के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो चार पाई पे लेकर जो कोई मरीज होता था उसको जीएमसी एम के अंदर लेकर जाते थे लेकिन विडम्बना इस बात की है देखिए हमारे साथ इस पंचायत के पंच भी हैं जिन्हें इनकी तरफ से नुमाइंदा बनाया गया है मैं इनसे भी सीधा बात करूंगा देखिए लोगों की तरफ से एहतजाज जताया जा रहा है कि जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए क्या कारण रहे आप ही यहाँ पे नमस्कार पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको मीडिया मीडिया वालों को कि आप संसू गांव में आए और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे मेरा नाम रघुवीर सिंह है मैं वार्ड नंबर छः का पंचूँ पंचायत संसू है देखिए 2018 में पंचायती इलेक्शन हुई थी आ, तो उसमें सब नुमाइंदे चुनकर आए थे जी, तो उसमें एक मैं भी था आ, तो आ, उसके बाद जब जब हम इसके साथ जुड़े उसके बाद महीने महीने ग्राम सभा मीटिंगें होती थी जी, अच्छा हमने ग्राम सभा मीटिंगें भी अटेंड करनी उसमें हमें एक कार्रवाई रजिस्टर होता है जो कोई आ, कोई आ, एक सेक्रेटरी साहब लेकर आते थे उसमें कोई भी पंचायत का कोई भी काम या कोई लोगों की डिमांड वगैरह या जो भी होती थी वो उसमें वो नोट करते थे और नोट करते थे उसके बाद उस पर जो भी एम्प्लीमेंट या जो भी है वो हुआ करता था तो ऐसा जब हमने पहली ग्राम सभा मीटिंग अटेंड की थी ना तब से लेकर अभी तक हमने कार्रवाई रजिस्टर में बार नंबर छः का कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मुझे आप चेक करेंगे रजिस्टर को जो उस पर मैंने लिखवाया कारण तो मैं अभी क्या बोलूँ ये पंचायत की न, जो हमारे चुने हुए सरपंच जी हैं या उन जो भी हैं तो वो आ, उनके कारण ही हुआ होगा क्योंकि उन्होंने अगर आगे जो भी हमने कार्रवाई जो हमारी जरूरतें थी हमारे वार्ड नंबर छः लोगों की मैं पंच एज ए पंच मैं उनके पास जाता था तो भाई हमारी ये ये कार्रवाई रजिस्टर जब हमारा मीटिंग होती थी उस पर जो लिखाते थे रोड का हो गया पानी का हो गया अच्छा हैंडपम्प का हो गया गलियों का हो गया आ, हर गली को आर, आ, जितनी भी मोहल्ले में गलियाँ थी आप वहाँ चेक कर सकते हैं जो मैंने उनको ना बताई और जान ना लिखाई लेकिन जो कार्य हुआ भी है जी वो भी ढंग से नहीं हुआ जी आ, वो भी आ, ये एक सोचने वाली बात है जो आ, इतने काम लिखाने के बाद भी अभी जो दो तीन काम जो हमारी बाढ़ में चल रहे हैं क्योंकि चल रही बोलूँगा हुए तो नहीं है अभी तक तो चल रही हैं तो वो भी अभी आधे अधूरे ही हैं मैं तो एक ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई आपने जो काम अभी जो इस रोड का जो लिया हुआ है जो अभी आप आधा करके चले गए जो आपके बीडीओ या सेक्रेटरी हैं जी उनके साथ कोई आपका ऐसे पंच पंच हो जितने हुए नुमाइंदे हो क्या उनके साथ कोई राबता नहीं हुआ कि मेरे जो कार्य हैं वो सही ढंग से नहीं हो रहे हैं हमारे इस पाँच साल में दो बारी मीटिंगें हो गई हैं बी डी ऑफिस में जिसमें हमारे सारे जितने भी पंचिस थे हर बाढ़ के और जितने भी हमारी जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको सुनाई उन्होंने सुनाई तो उनका एक ही जवाब था कि आप भाई कोऑर्डिनेट करके चलो सारे एक दूसरे के साथ मिलके चलो ऐसे एक दूसरे को झगड़ा करके तो हमें जब कोई चीज़ फैसिलिटी मिल नहीं रही थी तो हमने और कैसे उनके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करके चलना है क्या मानते हैं भी आपकी भी सुनवाई नहीं है बिल्कुल नहीं है पंचायत में हमें कोई सुनवाई नहीं है हमारी तो बिल्कुल नहीं है देखिए ये हकीकत है जहाँ पंच और सरपंच की सुनवाई नहीं है तो आम नागरिक किसके पास जाएगा ये उसी पंचायत के पंच हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी मेरी तरफ से काम रखवाए जाते हैं पंचायत के लिए वो काम कहाँ जाते हैं जो हो रहे हैं वो भी जो अंत तक होना चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं कुछ महिलाएं भी हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे बात करते हैं जी अपना नाम और ये बताएं कि गांव में क्या दिक्कत आपको खासकर आपको आ रही है मेरा नाम गीता देवी है जी चे, चे, जोर से नंबर वार्ड दिक्कत बच्चे बता ही दी है बुजुर्गो ने आपको सब कुछ रोड की पानी की यही होती है तो औरतें कोई और क्या होती है तो वो तो बताया है बच्चे सब ने पानी कितने दूर लेना पड़ता है जब गर्मिया आती है तो ਔਰ ਨੀਚੇ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਟੱਕੀ ਤਲੀਏ ਜਾਣਾ ਪੁੰਦੇ ਟੱਕੀ ਤਲੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸੀ ਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਸ ਆਸ ਬੜਾ ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਸ ਤੈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸ ਤੈ ਬੜਾ ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੋੜ ਨਹੀਂ ਥੋਦਦਾ ਆਇਆ ਦੋੜੀਦਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਸ ਆਇਆ ਦੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਦਾ ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਚਲਾਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਣਾ ਆਇਆ ਦੋੜੀਦਾ ਅੰਗਿਆ ਦੇ ਬੱਚੇ अधूरा काम में है कोई खास काम नहीं चलेगा <laughs> बताएं गांव का नाम बताएं ये ये बताएं कि क्या दिक्कत गांव के अंदर आपको आ रही है जी दाबे जी गांव संसू जी दिक्कत ये पानी है ये छिड़क लगी बना दे वो भी अधूरी है पेवे हम्म गली बदूरी तक गली लाई बनाना दे वो भी के पत्थर ओके पास रक्का दे के ओगड़ तो पानी की बात करें तो पानी की किस तरह की दिक्कत यहाँ पे और जब बिल्कुल देखिए जिस तरह से पुराने जमाने में बोरियो की तरफ जो लोगों को जो हथवा वो रुख करना पड़ता था इसी तरह का हाल इस गांव के अंदर है इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जरूर डिपार्टमेंट की तरफ से पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन जो हर दिन पानी आना चाहिए उस तरह का पानी नहीं आता तीसरे या चौथे दिन यहाँ पे पानी की सप्लाई दी जाती है लेकिन इनकी माने तो इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक से दो किलोमीटर की दूरी पर इनको जो है वो बोलियों की तरफ रुक करना पड़ता है हमारे साथ पवन देव जी हैं ये समाज सेवक भी हैं इनसे सीधा बात करेंगे आपकी ही पंचायत है हमने ये देखा है कि आप लोगों के काफ़ी कार्य जो हैं वो करवाते हैं लेकिन आपकी ही पंचायत में हाल उसी तरह का बना हुआ है जो पुराने जमाने के अंदर बना होता है किशोर जी थैंक यू पहले यहाँ आने के लिए जी। और uh, मेरे गांव के लोगों की हर बार यही uh, जो शिकायत रहती है कि आप बाहर बहुत काम करवाए हैं गांव में क्या हो रहा है गांव में क्या हो रहा है तो कल जब आपने मुझे फोन किया था मैंने किसी को मैसेज नहीं किया था मैंने आज मैसेज किया हालात आपने देख लिए कंप्लेन आपको इन्होंने बता दी है मैं खुद आज आगे इसलिए नहीं बोला कि मेरी पंचायत के जो सरपंच हैं वो हर मतलब जब भी कोई पंचायत का मसला निकालेंगे गांव का मसला निकालेंगे उनको परेशानी ये रहती है कि ये वो मसले मैनिपुलेट होते हैं या मैं जानबूझ करवाता हूँ आपने हालात देख लिए रोड का काम लगा है पिछले डेढ़ महीने से इस रोड का काम लगा है लेकिन वो काम अभी आधा अधूरा है बिल्कुल स्लो है ठेकेदार को फोन करेंगे तब जाके वो हफ्ते बाद आएगा चार दिन काम करेगा उसके बाद काम बंद ये काम जो रोड है सत्तर साल के बाद हमने बड़ी मुश्किल से सेंशन करवाया है पूरे गाँव वालों को एफर्ट्स है और ये भी पी विभाग निरोड दिया है और इसमें जो सबसे ज्यादा एफर्स है यहाँ के डी चेयरमैन लालचंद जी का है जिनसे हमने रिक्वेस्ट की पूरे गांव के लोग उनके पास गए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं है नहीं। हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता है या कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है बीच में नाला पड़ता है और जब बारिश हो जाती है तो हम आ जा नहीं सकते जैसा कि आपको इन लोगों ने बताया कि कई बार चार पाइप उठा के बीमार लोगों को ले जाना पड़ता है तो उन्होंने हमारी गुहार को सुना और आज केंद्र सरकार का पैसा जो है डायरेक्टली लग रहा है लेकिन वो लगवाएगा कौन जो पंचायत के नुमाइंदे हैं उनको लोगों की परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं है वो सिर्फ एक बार आएंगे रिमन काटा वापिस उसके बाद वो ये तक पूछने नहीं आएंगे कि भाई आपके यहाँ क्या जरूरत है कितनी डेवलपमेंट हुई है कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है तो ग्राउंड की रियलिटी दिखाने का मतलब यही है कि आप खुद ग्राउंड पे दिखाइए गौर का गवर्नमेंट का पैसा क्या सही लग रहा है या नहीं लग रहा है यही आपको यहाँ लोगों ने बताया यहाँ जे जे एम का काम चल रहा है पिछले दो साल से इस पंचायत में जे जे एम का काम चल रहा है जी। अभी तक यहाँ पर कंप्लीट पाइप नहीं पड़ी है कुछ पंचायतों में जो है नल के जो फ्री कनेक्शन देना शुरू कर दिए हैं लेकिन हमारी पंचायत एक ऐसी है कि जल जीवन मिशन की आधी पाइप पड़ी है आधी पाइप अधूरी है जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो कॉन्ट्रेक्टर ने मुझे कहा कि सर अभी फसल है लोगों के खेतों में जब कट जाएगी तब हम लगाएंगे लेकिन फसल कटने के बाद दूसरी गेहूं भी लग गई लेकिन यहाँ पर ठेकेदार का शक्ल तक देखने को नहीं मिले आप खाली इस संसू गांव की बात नहीं करिए आप पूरी पंचायत में आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन एक ऐसी अधूरी स्कीम है आठ नौ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया है लेकिन यहाँ पे पूछने वाला और ग्राउंड पे उसको सही तरीके से लागू करवाने वाला कोई नहीं है लेकिन पवन जी जो इस पंचायत के पंच हैं वो खुद हाथ खड़े कर गए वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं इसको किस तरह से आप देख देखिए यह मैं आपको एक चीज बता दूँ जब से ये पंचायत बनी है पिछले पांच साल में मैं खुद कुछ मीटिंग्स में गया वो पंच ने पंच के जो पंच हैं उन्होंने सही कहा कि सुनवाई नहीं है सिर्फ एक पंच की बात नहीं है यहाँ के कम से कम छह पंच हैं छह से सात पंच ऐसे हैं कि जिनकी वार्डों में जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो हमने जबरदस्ती काम करवाया है पंचायत के खाते से ही जबकि यहाँ के सरपंच का क्लियर कहना था कि मैं काम नहीं करूंगा तो पंच कहा जाएंगे पंचों ने ऊपर ऊपर तक एसीडी डीसी तक ये गुहार लगाई कि हमें अपने गांव में डेवलपमेंट करवानी है क्योंकि लोगों ने हमें नुमाइंदा जिताया है लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो लोग हमें पूछते हैं कि भैया चुने नुमाइंदे आपका काम क्यों नहीं हो रहा है लेकिन उसमें सरासर सरपंच की गलती है कि उसने पूरी पंचायत में सिर्फ अपनी जो है तानाशाही चलाई और इन पंचों के काम नहीं होने दिए देखिए त्रुटियां हर जगह रहती हैं हम इस बात की कोई सरपंच की तरफ से क्यों काम नहीं रख, रखवाए गए हर गांव के अंदर हम ये नहीं स्पष्ट कर पाते लेकिन जो इनके मुताबिक इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है मैं खुद ग्रौड़ हकीकत आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ जो वाक्य में काम होने चाहिए थे वो इस पंचायत के अंदर नहीं हुए और ये जो पवन देव जी आप देख रहे हैं ये दिव्यांग है और जब, जब जब भी हमने इनको देखा है आज इनके ही पंचायत में हम खुद आए हमने सोचा कि ये लोगों के काम जरूर करवाते हैं लोगों के साथ ये आगे चलते हैं लेकिन आज जब इनकी पंचायत के अंदर हम पहुंचे तो हैरान इस बात से हो गए कि यहाँ पे पाइप लाइन भी बिछाई गई है पचहत्तर साल से ये जो लोग हैं ये अपनी पीड़ा के लिए रो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस गांव के अंदर रोड जैसी फैसिलिटी हो और हर किसी का यही सपना होता है रोड हो बिजली हो पानी हो लेकिन इस तरह का इस गाँव के अंदर देखने को नहीं मिला अगर डीसी महोदया सुनती हैं ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है बार बार इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं आज ये जो लोग हैं अपनी पीड़ा के लिए रो रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर रोड यहाँ पे हो रो ये भी एक चीज़ हमने यहाँ पे महसूस की हमने साथ में एक गवर्नमेंट स्कूल देखा उसमें जब मैं अंदर की तरफ इंटर हुआ तब मैंने ये देखा जो शिक्षक थे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे लेकिन बच्चे चंद दस या बारह बच्चे थे लेकिन क्या इस तरह की डेवलपमेंट करवाई जाती है गांव के अंदर और हर किसी का यही सपना होता है जहाँ कोई मजदूर हो उसका यही सपना होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं कुछ बनाएं लेकिन यहाँ इस तरह का गांव के अंदर जो फैसिलिटी बच्चों को मिलनी चाहिए या नौजवानों को मिलनी चाहिए या बुज़ुर्गों को मिलनी चाहिए इस तरह का जो है वो इस गाँव के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा को दीजिए ज़्यादा तौर देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट